जय श्री राम। पहला ढांचा टूट गया, दूसरा ढांचा टूट गया, तीसरा ढांचा टूट ही नहीं रहा था। समय लग रहा था, मुझे याद है 4, 4:30, 5 बज गए थे। बीच में किसी ने कह दिया कि सीआरपीएफ आ रही है, रास्ते रोकना है। चले गए हम लोग, रास्तों पर सोए, कोई सीआरपीएफ नहीं आई। वापिस हम लोग आए, तब तक बहुत प्रयास चल रहे थे और तकरीबन कुछ शाम हो रही थी। उससे जस्ट पहले वो तीसरा ढांचा भी गिरा और मुझे याद है हमारे साथ एक बड़े बूढ़े व्यक्ति हमारे नागपुर से हमारे साथ आए थे और जैसे ढांचा गिरा वो व्यक्ति मानो 20 साल के हो ऐसे नाचे। और वहां पर उस समय का जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो कार सेवक यहां पर है, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वो देखा होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में इतना रोमांच मैंने कभी अनुभव नहीं किया। इस प्रकार का रोमांच हमको वहां पर देखने को मिला और वो ढांचा टूटा। और ढांचा टूटने के बाद कार सेवक रुके नहीं, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। और पुलिस के सामने जब ये नारा लगाया जाता था तो वो भी नारा लगाते थे, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। और इस प्रकार से पुलिस का भी बड़ा सहयोग उस समय था। और जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वो मंदिर 6 दिसंबर 1992 की रात को ही बना। उसके बाद नारा रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे नहीं था, उसके बाद नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे। वो भव्य मंदिर कल से बनने वाला है। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे दोस्त भी लिखते थे, पेपर में भी लिखते थे, उनके नाक पर डंके की चोट पर, मंदिर वही बनेगा, शान से बनेगा और कल बनेगा और कल से शुरुआत होगी। मैं यहां पर आया हूं एक कार सेवक के रूप में। और मुझे बहुत फक्र है कि सारी कार सेवाओं में मैं सम्मिलित हुआ और पहले दिन से राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा। मुझे याद है कि मेरी उम्र 18-19 साल की होगी जिस समय सबसे पहले मेरे ऊपर रामशिला पूजन में एक खंड की जिम्मेदारी दी गई। और हम जानते हैं खंड मतलब एक वार्ड था और बताया गया कि इस खंड में जितने उपखंड है, जितने बूथ है, उसमें रामशिला पूजन होना चाहिए। और रामशिलाएं आई और उस समय का जो माहौल था, मैं एक एक उपखंड में जाता था और वहां पर जिनका संघ विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कोई मेल नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाता था और उनको कहता था कि आपको यजमान बनना है, ये शिला पूजन तो आपके हाथ से होगा। और यकीन मानिए जिसके पास गया, किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रहते थे, उनकी उम्र काफी थी, पूर्व में मंत्री रहते, कई सालों तक विधायक भी रहते मध्य प्रदेश में, और महाराणा प्रताप जी के वंशज थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाचा जी प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, उस मंदिर की शिला का पूजन करना है और शिला पूजन के प्रमुख आपको बनना है। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, मैं हिंदू हूं और अगर प्रभु श्री राम का मंदिर बनता है तो मेरे विचार कोई भी हो पर मैं पहले हिंदू हूं। और उन्होंने यजमान पद स्वीकारा और एक भव्य ऐसा कार्यक्रम हुआ और उसके चलते 10.5 उपखंडों में इस कार्यक्रम को हमने पूरा किया। और वहां पर पूजा होती थी, 200, 300, 400 वहां के लोग परिवार पूजा में बैठते थे, उसके बाद उसकी एक बड़ी पालखी निकाली जाती थी और पूरा मोहल्ला उसमें उमड़ पड़ता था। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो वातावरण उससे तैयार होता था,
एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति उससे जो निर्माण होती थी, मैं ऐसा मानता हूं राम मंदिर के इस आंदोलन की नींव इस रामशिला पूजन के कार्यक्रम से निश्चित रूप से रखी गई। मुझे याद है 1990 का रामशिला जो हम लोगों ने कार सेवा की तैयारियां शुरू हुई और उस समय मैं 20 साल का था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था और यह तय हुआ कि विद्यार्थी परिषद की ओर से हम सब लोग मिलकर अयोध्या जाएंगे। एक बड़ी सी टोली ली, ट्रेन में बैठे, उस समय तो तय था कोई टिकट निकालेगा नहीं, सबको विदाउट टिकट ही जाना था, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठो, और ट्रेन में बैठे और सीधे इलाहाबाद पहुंचे। और इलाहाबाद पर इतना बताया गया था कि देवरा बाबा के आश्रम में चले जाओ, आगे की सूचनाएं वहां पर मिलेगी। तो उतरे, देखा आधे शहर में कर्फ्यू लगा है, कहां जाना पता नहीं है, कोई रास्ता बताने को नहीं है, साथ में सारे लोग 18, 19, 20, 21 साल के। तो मैं उन सबको लेकर मैंने कहा, नेहरू जी का घर है आनंद भवन, वहां पर एक लॉन है, मैंने कहा यहां बैठो, मैं और एक हमारे मित्र उदय डबले, हम लोग, हमने कहा हम जाते देवरा बाबा का आश्रम ढूंढते हैं और उस आश्रम में जाकर वहां पर क्या इंस्ट्रक्शन अपने लिए है वो इंस्ट्रक्शन हम लोग लेकर आएंगे। और हम दोनों गए, काफी मारपीट कहीं चल रही थी, कहीं पुलिस का अत्याचार चल रहा था, एक जगह गोली चलते देखी। और ऐसे में वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद वहां पर, और ये करीब 30 तारीख का कार्यक्रम था, ये 20 तारीख की बात होगी, हम बहुत पहले गए थे। और वहां पर एक अधिकारी मिले, हमारे महाराष्ट्र के थे, और उन्होंने कहा कि देखो अब जो लोग चले गए वो तो चले गए, आज से सब बंद है, अब ट्रेनें भी नहीं जाएगी, अब बसें भी नहीं जाएगी, सारी नाकाबंदी लगी है, इसलिए तय हुआ है कि सारे के सारे लोग यहीं सत्याग्रह करेंगे, इलाहाबाद की जेल, नैनी की जेल, ये तो पूरी भर चुकी है, और इसलिए यहां पर कुछ मेकशिफ्ट वहां पर जेलें तैयार की गई थी, इन जेलों में अब जाना है, अपने को सत्याग्रह करना है। मैं वापिस आया, हमारे टोले को मैंने बताया कि इस प्रकार के आदेश है, शाम को सत्याग्रह करना है, पर मैंने कहा मैं सत्याग्रह में नहीं आने वाला, मैंने कहा मैंने तो यह तय किया है कि चाहे जो हो जाए मैं अयोध्या जाऊंगा, और इसलिए जो मेरे साथ चलना चाहता है वो रुक जाए, बाकी सारे लोग सत्याग्रह करें। और 8 लोगों ने हमने तय किया कि चाहे जो हो पैदल जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, हम लोग तो अयोध्या जाएंगे, बाकी लोगों का शाम को सत्याग्रह हुआ, वो मेकशिफ्ट जेल में ट्रांसफर हो गए, हम वापस देवरा बाबा के आश्रम में आए। और आश्रम में आकर फिर वहां पूछा, उन्होंने कहा अभी तो जाने का कोई सिलसिला नहीं है, पर 25-26 तारीख को शायद शंकराचार्य जी जाएंगे और उनके साथ पैदल सब लोग निकलेंगे और एक बड़ा टोला उनके साथ पैदल जाएगा, अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके साथ आप जा सकते हो। तो हम लोगों ने कहा आप रहेंगे कहा, तो वहीं पास में एक सीताराम मंदिर था, वहां गए, उसके पुजारी जी को कहा कि भाई हम 7-8 लोग हैं, कार सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बेटा कार सेवा के लिए तो बड़े पवित्र कार्य के लिए आए हो, हमने कहा रहने को जगह नहीं, आ जाओ अंदर, बाहर से बड़ा छोटा दिखता था, छोटा सा द्वार था, अंदर बहुत बड़ा मंदिर था, 3-4 मंजिला मंदिर था। उन्होंने कहा रहो यहां पर, तो वहां रहने लग गए, दिन भर सीताराम 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 भजन करते थे, वो 3 बार भोजन खिलाते थे तो भोजन करते थे, सुबह सुबह संगम पर जाकर नहाते थे, वहीं पर हनुमान जी का बड़ी सोई हुई मूर्ति है, मंदिर था, वहां रोज दर्शन लेते थे। और हालत यह थी, लोगों ने कहा था कि भाई वहां पर ठंड बहुत होती है, तो बढ़िया ब्लैंकेट लेकर गए थे, पर अंदाजा ही नहीं था कितनी ठंड है, ऊपर सोना पड़ता था खुले में और 3 डिग्री तक टेम्परेचर आता था, तो नीचे एक दरी बिछती थी उसके ऊपर सोते थे और उस पर एक ब्लैंकेट लेते थे, तो 2 दिन में अकड़ गए। फिर कहा महाराज हम नहीं सो सकते, हमको आदत नहीं है इतनी ठंड की, तो फिर महाराज ने एक छोटी सी जगह और दे दी कि जहां पर
हम सो पाए। ऐसे करते 25-26 तारीख आई और शंकराचार्य जी और कई धर्माचार्य इनके साथ हम लोग पैदल निकले। मुझे याद है इलाहाबाद से फाफा मोह से प्रतापगढ़, ऐसे रास्ते से हम लोग निकले, काफी दूर तक गए, पता नहीं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर। रात हो गई, 7-7:30 बजे का समय था और एक बहुत बड़े पुलिया पर पूरे इस प्रोसेशन को आने दिया और मुलायम सिंह जी की पुलिस ने सबको नाकाबंदी करके दोनों तरफ से लाठीचार्ज शुरू किया और फायर शुरू किया। पहली बार गोलियां चलते देखी, गोलियां आंग पे नहीं चल रही थी, ऊपर चल रही थी, लेकिन ऐसी चल रही थी, ऐसी नहीं चल रही थी। और जो सामने थे, हम लोग सामने थे, डंडे लगे तो हम पीछे गए, पीछे वाले सामने, आप समझ सकते पीछे से भी डंडे चल रहे हैं, सामने से भी चल रहे हैं, सब एक दूसरे को बचा रहे। ऐसे में धर्माचार्यों को गाड़ी में बैठा कर वो ले गए, कुछ लोग वहां से कूद गए। 1.5 घंटा जबरदस्त लाठी चार्ज किया और उसके बाद जब सारे लोग शांत हुए तब कई गाड़ियां लाई गई, बसें लाई गई, उन बसों में भरकर लॉक मारकर सीधा 500 किलोमीटर बदायूं ले गए और सेंट्रल जेल बदायूं में हमको बंद कर दिया। और फिर सेंट्रल जेल बदायूं में करीब 13-14 दिन हम लोग थे, लेकिन सेंट्रल जेल बदायूं में भी मुझे याद है कि जो वातावरण वहां का था, हम लोग तो कैदियों को भी रामधुन सुनाते थे और उनको भी हमारे साथ रामधुन सुनने पर मजबूर करते थे, वो भी हमारे साथ गाते थे। और सबसे महत्व की बात यह थी कि लोगों का उत्साह जो था, सारे कार सेवकों ने उस समय देखा है कि उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति कार सेवकों को मदद करता था। अगर किसी छोटे से चाय के ठेले पे हम एक कुल्हड़ में चाय ले ले और उसको पता चल जाए कि ये कार सेवक है तो पैसा भी नहीं लेता था। और बदायूं में भी यह हालत थी कि वहां का जिस दिन कर्फ्यू उठता था तो जेल के अंदर इतना खाना बाहर से आता था, जिस दिन नहीं होता था उस दिन तो जेल में वो 2 सूखी रोटी और आलू मिल जाता था, पर जिस दिन उठता था उस दिन लोग पता नहीं अपने घर के पकवान बना बनाकर भेज देते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी उस जेल का जो जेलर था, उस जेलर के दोनों बेटे कार सेवा में गए हुए थे और इसलिए वो भी एक प्रकार से कार सेवक ही था। और फिर वहां सुबह शाखा लगाते थे, शाम को भाषण होते थे, फिर एक बरैक से दूसरे बरैक भाषण देने के लिए जाते थे। और मुझे याद है कि टेलीफोन नहीं था, कोई साधन नहीं था, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं था, तो हम लोगों ने थोड़ा घर पे क्या हालत होगी, इसलिए फिर जब वो खाना वाना आते थे उसको पटाके हमने पोस्टकार्ड्स मंगवाए और सबने अपने घर पोस्टकार्ड भेजे कि भाई हम लोग ठीक है, जेल में है, छूट के वापिस आ जाएंगे। लेकिन जब 14 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद छूटकर हम हमारे घर पहुंचे नागपुर, उसके दूसरे दिन वो पोस्टकार्ड मिला, तब तक वो पोस्टकार्ड आया ही नहीं था। और घर पे सारे लोग परेशान, किसी ने कह दिया इनको गोली लग गई, किसी ने कह दिया जख्मी हो गए, हुआ तो कुछ नहीं था पर घर पे सारे परेशान थे। और फिर ये सारा 30 की घटना हुई, उसके 6-7 दिन बाद हमको छोड़ा और फिर हम अपने ट्रेन में बैठकर वापस नागपुर पहुंचे। और मुझे याद है कि उसके बाद कई कार्यक्रम हुए, विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, उसके बाद कई अलग अलग प्रकार के सारे कार्यक्रमों में जिस प्रकार का उस समय उत्साह था, मैं ऐसा मानता हूं कि जो हर उस समय का कार सेवक था, हर उस समय का स्वयं सेवक था, उसके मन में एक ही भावना थी कि हमको यह कलंक मिटाना है। यह हमारे लिए मंदिर मस्जिद का प्रश्न नहीं है, कोई एक ढांचे से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारी पहचान का प्रश्न है। और इसके चलते जब 1992 में फिर एक बार कार सेवा का ऐलान हुआ, तब एक फायदा था, भले ही देश में नरसिंह राव जी की सरकार थी लेकिन प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी और इसलिए बिना किसी रुकावट के हम सीधे पहुंचे इलाहाबाद, बढ़िया गंगा स्नान किया, दूसरी ट्रेन पकड़ी, सीधे गए अयोध्या। अभी जैसे परब जी ने बताया, बड़े बड़े टेंट बने हुए थे, सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी, उन टेंट में गए। फिर हमारे साथ एक हमारा मित्र था, उसने कहा कि मेरे करीबी रिश्तेदार है और यहां पर एक कालाराम मंदिर है अयोध्या में, उसके वो पुजारी है, चलो हम कालाराम मंदिर में जाकर रहेंगे।
हम वहां पर भी बहुत पहले पहुंच गए थे, 28-29 तारीख को पहुंच गए थे शायद। तो चले गए कालाराम मंदिर और वहां पर उन्होंने बढ़िया व्यवस्था कर दी। तो कालाराम मंदिर में रहते थे, फिर इधर टेंट में आकर यहां भी खाना खाते थे, शरीर में नहाने भी जाते थे। 5 दिसंबर को सबको ये बताया गया कि कल कार सेवा में सबको उपस्थित रहना है और जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको फॉलो करना है। एक एक आपको मिट्टी दी जाएगी, वो मिट्टी भाषण चल रहे थे, राम जन्मभूमि के बारे में बताया जा रहा था और अचानक कुछ युवकों ने उस ढांचे की ओर दौड़ना शुरू किया और वो चढ़ गए और फिर सारे के सारे लोग, फिर कोई सुनने को तैयार नहीं था, फिर कोई अनुशासन नहीं था। एक ही सबके मन में था, चाहे जो हो जाए अब ये ढांचा नहीं बचेगा। और जो लोग सारे के सारे, हम भी उनके साथ में थे, वहां चले गए, कोई ढांचे पर चढ़ रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है, कुछ लोग बैठकर, मतलब शब्द बहुत गलत है, पर अपने जान की परवाह किए बिना, जैसे उस डंगाल पर बैठकर डंगाल तोड़ते हैं, वैसे उसके ऊपर बैठकर उसी को तोड़ रहे थे, क्योंकि उसको जान की परवाह नहीं थी। एक ही बात थी कि कलंक को मिटाना है। हम सब लोग जानते हैं कि 1528 में मीर बाकी ने प्रभु श्रीराम का मंदिर तोड़ा, और क्यों तोड़ा? क्योंकि वो जानते थे कि इस देश के अंदर अगर हमें राज करना है तो इस देश की दो अस्मिताएं हैं, एक प्रभु श्रीराम है, दूसरे प्रभु श्री कृष्ण है। इन दो अस्मिताओं को मिटाने के सिवाय हम राज नहीं कर सकते। उनको पता था कि इस देश में जो देश की आत्मा है वो प्रभु श्रीराम है। अगर इस देश की आत्मा को हम नष्ट करेंगे, अगर इस देश के वीरों को हम बताएंगे कि देखो तुम्हारे श्रीराम तुमको बचा नहीं सकते, हम तो इतने महान हैं कि तुम्हारे राम जी का मंदिर भी तोड़ सकते हैं और वहां पर हम मस्जिद भी बना सकते हैं, और इस भावना से वहां पर जो राम मंदिर था उसको तोड़ा गया और इस भावना से वहां पर वो ढांचा बना, उस ढांचे में कभी वहां पर उस मस्जिद में जाकर या उस ढांचे में जाकर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ने का वो कोई पूजा स्थल नहीं था, कोई मुसलमानों के लिए वो कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, केवल भारतीयों को पराजित मानसिकता में लाने के लिए और भारतीयों की मनोवृत्ति को, भारतीयों के तेज को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं के तेज को समाप्त करने के लिए उस समय वहां पर वो कलंक का ढांचा तैयार हुआ था। और उस कलंक को मिटाने की बात थी, उस कलंक को मिटाकर जहां पर रामलला का मंदिर था, जहां उनका जन्म हुआ, वहीं पर रामलला का मंदिर बने, इस प्रकार की भावना के साथ ये सारे के सारे कार सेवक वहां पर थे। पहला ढांचा टूट गया, दूसरा ढांचा टूट गया, तीसरा ढांचा टूट ही नहीं रहा था, समय लग रहा था। मुझे याद है 4, 4:30, 5 बज गए थे। बीच में किसी ने कह दिया कि सीआरपीएफ आ रही है, रास्ते रोकना है। चले गए हम लोग, रास्ते पर सोए, कोई सीआरपीएफ नहीं आई, वापिस हम लोग आए। तब तक बहुत प्रयास चल रहे थे और तकरीबन कुछ शाम हो रही थी, उससे जस्ट पहले वो तीसरा ढांचा भी गिरा। और मुझे याद है हमारे साथ एक बड़े बूढ़े व्यक्ति हमारे नागपुर से हमारे साथ आए थे, और जैसे ढांचा गिरा वो व्यक्ति मानो 20 साल के हो ऐसे नाचे। और वहां पर उस समय का जो उत्साह था, जो उल्लास था, जो कार सेवक यहां पर है, जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वो देखा होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन में इतना रोमांच मैंने कभी अनुभव नहीं किया, इस प्रकार का रोमांच हमको वहां पर देखने को मिला। और वो ढांचा टूटा, और ढांचा टूटने के बाद कार सेवक रुके नहीं, तुरंत जमीन को साफ करके सीढ़ियां बनाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि रामलला को दूसरी जगह रख नहीं सकते थे, रामलला को विराजमान ही करना था। और कार सेवकों ने रातों रात, छोटा मंदिर बन गया, उसकी सीढ़ियां बन गई, और जो हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वो मंदिर 6 दिसंबर 1992 की रात को ही बना। उसके बाद नारा रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे नहीं था, उसके बाद नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, वो भव्य मंदिर कल से बनने वाला है। और उस रात को तो हम कालाराम मंदिर में सोए और हमको पता ही नहीं रात में किस प्रकार से जो सारे टेंट थे उसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, लोगों को बाहर निकाल दिया। हम लोग सुबह उठे और बाहर निकले और कहा चलो अब मंदिर में जाके दर्शन करेंगे रामलला का। तो पुलिस ने रोका, बोले कहाँ जा रहे,
अच्छा, ये सारे इसमें पुलिस जो थी, चूंकि उनके भी मन में प्रभु श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा थी, चाहे पुलिस हो या वहां की पीएसी जो वहां का रिजर्व फोर्स हो या सारे जवान हो, मतलब आप लोगों को भी याद होगा वहां का एक नारा उस समय हुआ करता था, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। और पुलिस के सामने जब यह नारा लगाया जाता था तो वो भी नारा लगाते थे, कौन करे मंदिर निर्माण, पुलिस, पीएसी और जवान। और इस प्रकार से पुलिस का भी बड़ा सहयोग उस समय था, और पुलिस ने कहा कि भाई अब तो ये खाली हो गई और आप लोग भी चले जाइए, अभी यहाँ पर आप ऐसा कीजिए बसों की व्यवस्था की है, सबको बसों से लखनऊ भेजेंगे, और 90% लोग चले गए, अयोध्या खाली हो चुकी है। अब ने कहा कि भाई हमको तो कोई आदेश ही नहीं है, तो फिर महंत अवैधनाथ जी के अखाड़े में हम लोग चले गए। हमने कहा चलो, महंत जी उस समय राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, ये सारे आंदोलन का नेतृत्व करते थे, जो हमारे योगी जी के गुरु रहे हैं, हम उनके अखाड़े में गए, मठ में गए, तो वहां पर वो तो नहीं थे, वहां पर आचार्य धर्मेंद्र जी मिले। हमने धर्मेंद्र जी को पूछा, हमने कहा क्या आदेश है धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा देखिए अभी अयोध्या खाली हो गई है, अपना काम हो गया, मैं भी चला, आप लोग भी चलिए। तो गए, फिर बस में बैठे, और बस में बैठकर हम लोग लखनऊ की ओर निकले, लेकिन लखनऊ को ही उनको छोड़ना नहीं था, उनको केवल अयोध्या खाली करनी थी। फैजाबाद ले गए और वहां से बस से उतार दिया और कहा यहां से आगे बस नहीं जाएगी, अब आप लोग चले जाइए लखनऊ। तो फिर हम लोगों ने 2 घंटे रास्ता रोको किया, हमने कहा नहीं, हमको तो कहा था हम तो लखनऊ जाएंगे भाई, ये बस को ले जाना पड़ेगा। फिर उनको ध्यान में आया कि कहां ये झंझट आप लोग पाले, ये रास्ता रोको करेंगे, तो वापिस हमको बसें दी और फिर लखनऊ हमको भेजा, और फिर लखनऊ में हमको ट्रेन मिली, ट्रेन में बैठकर निकले, और जिस प्रकार से बताया, मतलब कुल मिलाकर नागपुर 1 दिन में पहुंचने चाहिए थे, 2.5 दिन लग गए, क्योंकि ट्रेन हर जगह रुकी जाती थी, उस पर पत्थर फेंके जाते थे, फिर कुछ लोगों ने ट्रेन में भी पत्थर जमा किए, उधर से पत्थर आए तो इधर से भी पत्थर चलते थे, फिर 2-3 घंटे निकलते थे, ऐसा करते करते फिर हम लोग जाकर नागपुर पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव रहा, और मैं तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जब तीसरी कार सेवा हुई अटल जी के जमाने में, उस समय भी उस कार सेवा में मैं गया, उस समय मैं विधायक बन चुका था, मैं एमएलए था, लेकिन उस समय भी अनरिजर्व डब्बे में बैठकर अपने लोगों को लेकर बिना टिकट से वापिस गया लखनऊ। लखनऊ में हम लोग रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही सोते थे, प्लेटफॉर्म पर ही सोए, फिर दूसरे दिन वापिस, फिर क्योंकि उस समय वापिस राज मायावती मुलायम जी का आ गया था, तो वापिस रोका टोकी चालू थी, और फिर हम लोग वहां से फिर वापिस ट्रेन पकड़कर अयोध्या की ओर निकले, रोका गया, वहां से फिर 30-35 किलोमीटर पैदल चले। और उस कार सेवा के समय फिर वो अटल जी की सरकार ने जो मंदिर के जो खंभे वगैरह तैयार हुए थे उसको स्वीकृत करके और ये घोषित किया कि अब सरकार इस मंदिर को बनाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा आपके जैसा एक जो कार सेवक है कि जिसने इस सारे आंदोलन में अपना सहभाग लिया है, उसके लिए कल का दिन एक प्रेरणा का दिन है। कल का दिन एक ऐसा दिन है, क्योंकि कई बार ये लगता था कि क्या हम अपने इस जीवन में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनता हुआ देखेंगे, और कई बार ये प्रश्न भी आता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमारे दोस्त भी लिखते थे, पेपर में भी लिखते थे, उनके नाक पर डंके की चोट पर, मंदिर वही बनेगा, शान से बनेगा, और कल बनेगा, और कल से शुरुआत होगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस प्रश्न को बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको सुलझाया। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर, देखिए सच छुप नहीं सकता, सच परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं हो सकता, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये दिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ये बताया कि यहां पर मंदिर था, मंदिर के सारे अवशेष मिले, और आज वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो रहा है।